हाँ जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुशाहिद खान। इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली के एक जगह पे जिसका नाम है ITO भी बोल सकते हैं इसे, वैसे ये है दरियागंज। हमें यहाँ एक ऐसे बाबा दिखे जिनकी दोनों आँखें नहीं है और बचपन से ही दोनों आँखें नहीं हैं, लेकिन फिर भी इतने खुश हैं, इतने अच्छी बातें करते हैं, कभी अपनी हिम्मत नहीं हारी। ये बाबा हमारे साथ में, बाबा क्या नाम है आपका? रामनिवास। रामनिवास, तो रामनिवास बाबा कहाँ के रहने वाले हैं? वैसे तो मैं ही क्यों ना, दिल्ली की पैदाइश है मेरी। दिल्ली की? हाँ। तो घर में कौन कौन है? माँ बाप नहीं है ना, खत्म हो गए हैं। अच्छा। अब आजकल दुनिया मतलब ये बड़ी स्वार्थी है। वो तो है, वो तो बिल्कुल है। अब हम है क्या, देखो हरि नाम को प्याला पियो और मंदिर के किनारे भजन करते रहो। जी जी जी, है ना, बिल्कुल बिल्कुल। जो चीज का अगर स्वार्थ जीवन वो होता है कि जो अपना जीवन नरक में बिताता है, देखो 50 साल के बाद जब कोई साथ ना दे, कोई भी इंसानियत हो तो वो है ना अपना हरि नाम जपे वो बढ़िया है। वही है हरि, तो कुछ नहीं। देखो हर इंसान जानता है कि कुछ नहीं, साथ में जाना है, नहीं जाना ना, बिल्कुल। फिर भी इंसान जो है, आप देखो क्या क्या दुनिया मोरा, हम तो कानों से सुनते ना। मैं देखता हूँ कि कुछ लोग हैं जो अपनी मजबूरी को फायदा उठाते, लेकिन देखिए हम ये सोच रहे थे, जब हमने आपको देखा तो हम ये सोच रहे थे कि आप कुछ काम कराएं, लेकिन जैसे जैसे हम आपके पास आए तो हमें लगा कि आप काम तो कर ही नहीं सकते। देखिए मैं एक बात और बता रहा हूँ, मैं पढ़े लिखे नहीं है, 90% कुछ ऐसे हैं अपने इंडिया के अंदर कि जो बेचारे काम करने लायक हैं। जी जी। आप अपनी आंखों से देखो, कंट्रोल करो, बड़े बड़े अफसर, बड़े बड़े DCP BCP सब जानते, सब देखते कि जो काम करने लायक है वो भी आजकल तालियां ठोक रहे हैं। अभी इनको देखो ना, आधे जनाने में है ना मर्दाने में, कुछ लोग ऐसे हैं कि छीनी खा जाते। तो बाबा ऐसा हुआ है आपके साथ में कभी, आपके साथ लूटपाट हुई हो? देखो हमारे संग तो अभी तक तो हुआ नहीं है, लेकिन जो हमारे संग जो करेगा वो ऊपर वाला वो बैठा है, बिल्कुल वो हिसाब करेगा। तो ये दोनों आंखें मतलब किसी हादसे में चली गई थी आपकी, ये कैसे हुआ? मैं बताऊं ये आंखें क्या हुआ, ये आंखें चेचक निकल आया था। अच्छा, चेचक में क्या होता है, आने से अंदर पड़ जाते हैं जी जी। और वो दींगा जो होता है ना, उसको कहते हैं लाइंस, लाइंस की जो पाबंदी होती है ना वो खत्म हो जाती है, समझ लो। बड़े बड़े मेरे को कह चुके, सब कह चुके बाबा आंखें लगवा ले, क्या करूंगा, ना देखो ना भोंको, आंख अगर मैं लगवा लूंगा तो दुनिया ना नरक में पड़ी है, हम भी नरक में घुस जाएंगे। सत्य बात है, गलत है? बिल्कुल। तो आंखें जो है ना यही बुरा बनाती है, यही भला बनाती है। तो शादी वादी करी बाबा? नहीं नहीं, मैं शादी अब क्या करूंगा, अब तो हमारे सब आधी जिंदगी अब हो गई, अब शादी करके क्या करूंगा। कितनी उम्र है? 50 साल की हो गई। 50 साल की उम्र हो गई है? अरे होगी नहीं। तो भाई भाई कोई साथ नहीं देता? सब मतलब दुनिया है, मैंने सबको त्याग दिया बिल्कुल। वही मंदिर में रहना, पूजा करना, भगवान का जप करना, रहना और वहीं पड़े रहते हैं। बहुत से लोग आप जैसे आ जाते हैं, चलो बाबा हरिद्वार घुमा लाएं, चलो बाबा तुमको वहाँ घुमा लाऊं, कहते यहाँ सेवा माँ बाप की करी नहीं और दुनिया घुमाने से क्या फायदा। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी अभी आपके पैर में जूते भी नहीं है, जूते क्यों नहीं पहने आपने? अभी जूते बाबू जी मैं क्या बताऊँ आपको, समस्या ऐसी है, क्या पहनूँ, कोई पहनता देता तो लेता, पहन लूँगा कल, ऐसी कोई बात नहीं। नहीं, जूते हम आपको दिलाएं या हम आपको जूते के पैसे दें, आप ये बताइए, मुझे दोनों ऑप्शन है। तुम एक सेवा करते हो, खाली मुझे जूते पैसे दे, जूते के पैसे दे दूँ आपको बस। कितने रुपए के जूते आ जाएंगे आप? जूते आएंगे बाबू जी, आप दुकान पूछ रहे हो जी, दुकान में पता कर लो, 400-500 से नीचे नहीं आएंगे। 400-500 से नीचे नहीं आएंगे? 400-500 में काम हो जाएगा आपका? हाँ हो जाएगा, जो आप। अच्छा बाबू जी, बिना तुम करो या ना करो बाकी ऊपर वाला। नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा आप ये बताओ मुझे, तुम यहाँ ड्यूटी करते हो, कहाँ रहते हो मुझे एक बताओ, मैं तुमको आवाज़ से पहचान लूँगा कहीं भी हो। अच्छा मैं बिल्कुल मिलूँगा, मेरा नाम मुशाहिद खान है और रहते और मैं तो गाज़ियाबाद में रहता हूँ। अच्छा। लेकिन मैंने आपको देखा निकला तो मुझे लगा कि मुझे अपने बाबा की मदद करनी चाहिए। जी जी। अब मैं तुमको कभी भी आवाज़ से बोलोगे ना कि रामनिवास जी ठीक हो तो कहते हैं हाँ हमको मिल गया। मैं तो यहाँ पर आता रहता हूँ, तो आपको कितने पैसे की ज़रूरत है अभी? कर दो आपको, मैंने इतने बोल दिया। अच्छा अच्छा लीजिए बाबू जी, कितने हैं ये आप बताओ, आप आपके हाथ में आया आप बताओ। नहीं, आप बताओ, मुझे नहीं पता चलेगा। ये 500 रुपये हैं। अच्छा जूते आ जाएंगे ना आपके? हाँ जी आ जाएंगे। आ जाएंगे? अच्छा जी, चलो बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया। चाय पिला दो, 500 और पकड़ो, चाय पिला दो, ये चाय के लिए आपके। ठीक है ठीक है, लो 500 और। ठीक है, ये आपके कपड़े के लिए हैं। ठीक है बाबू, ठीक है ठीक है, लो 500 और लो। अच्छा मालिक,
फिर मुझे कब मिलोगे? मिलोगे कब? मिलता रहूंगा। देखो मुझे खाली ऊपर वाला जब मदद भेजता है ना तो वैसे ही भेजता है। मैं तुमको याद रखूंगा, कभी हाल चाल तुम्हारे का हमेशा मैं दुआ देता रहूंगा। और इन पैसे को संभाल के रखना, कोई छीन ना ले आपसे, और आपसे बिल्कुल मैं मिलता रहूंगा, ठीक है ना? चाय की दुकान छोड़ो, चाय की दुकान में छोड़ना आपको। चाय की दुकान कहाँ है भाई? यही होगा। मैं मुशाहिद कभी भी धर्म नहीं देखता, और धर्म देखना भी नहीं चाहिए, किसी को भी नहीं देखना चाहिए धर्म। कुछ लोग बोलते हैं कि भाई आप मुसलमानों की खिदमत करो, कुछ लोग बोलते हैं आप हमारे हिंदू भाई की खिदमत नहीं करते। देखिए, जो लोग मजबूर हैं वो किसी भी धर्म के हो सकते हैं, और मेरा जो अल्लाह है ना वो रब्बुल आलमीन है, रब्बुल मुसलमीन नहीं है, वो मुसलमानों का रब नहीं है, वो सब का रब है। तो जो भी आपको मिले, चाहे वो हिंदू मिले, चाहे मुसलमान मिले, क्रिश्चियन मिले, सिख मिले, ईसाई मिले, सबकी मदद करो मेरे भाई। अभी हमने थोड़ी सी मदद की है, इस थोड़ी सी मदद से हो सकता है कि कुछ घर का गुजारा चल जाए, लेकिन ये काम तो नहीं कर सकते, ये मांगेंगे ही, ये तो मुझे पक्का पता है मांगेंगे नहीं। लेकिन सबसे इनमें अच्छी बात ये है, खुददार आदमी हैं, हसमुख हैं, और नशा नहीं करते। कुछ लोग होते हैं जो पैसे करके नशा करते हैं, चाय का नशा करते हैं और चाय पीते हैं। अभी हमने चाय के लिए इनको भिजवा दिया है और गाड़ी से। तो ऐसे ही मदद करते रहिए, खुश रहिए, और सच में बहुत बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है जब ऐसे लोगों की मदद करते हैं, दिल अंदर से बहुत खुश होता है। तो सपोर्ट करते रहिए यूं ही हमें। अगर आप चाहते हैं कि हमारी हमें सपोर्ट करना, तो हमारा जो अकाउंट डिटेल है वो डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, आप वहाँ जाकर डोनेट कर सकते हैं, कुछ भी डोनेट कर सकते हैं। हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और यूं ही प्यार बांटते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।